आपको बता दें, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, ऐसे में सभी पार्टी के प्रत्याशी जोर शोर से लोगों के बीच में जाकर अपनी अपनी उपलब्धियां बता रही हैं। अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी प्रयागराज शहर दक्षिणी 263 विधानसभा की अल्पना निषाद की, जो लगातार शहर दक्षिणी के लोगों के बीच लगी रही हर मुसीबत के समय अपने स्तर से मदद करने के लिए लगातार लगी रही, ऐसे में इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से अल्पना निषाद को शहर दक्षिणी 263 विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में चुना है। ऐसे में अल्पना निषाद का कहना है कि अगर जनता हमको इस बार मौका देती है तो मैं लोगों के बीच में हमेशा मौजूद रहूंगी, हर मुसीबत के समय में खड़ी रहूंगी। कांग्रेस पार्टी शहर दक्षिणी के लोगों को हर मुसीबत से छुटकारा दिलाएगी और मैं निषाद समाज के साथ सभी वर्गों के लोगों के बीच खड़ी रहूंगी। विधानसभा से आप प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की हैं, इस पर क्या तैयारियां हैं इस चुनाव के लिए? देखिए, तैयारियां तो हमारी बहुत ज़्यादा रही हैं, चूँकि मैं पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य भी हूं और शहर की क्या समस्याएं हैं उसको मैं बखूबी जानती हूं, शहर दक्षिणी की क्या समस्याएं हैं, और तैयारियां तो पहले से ही चल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि क्षेत्र दक्षिणी का बहुत पीछे है विकास के दृष्टिकोण से, सड़कें गड्ढी युक्त है और बहुत सारी समस्याएं हैं। नैनी का औद्योगिक क्षेत्र जो कि और उनको विकसित करना चाहिए, उस पर कोई विचार नहीं हुआ कभी, तो जनता काफी नाराज भी है और हम सबकी काफी अच्छी तैयारी है इन सब को लेकर। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो जनहित के होने ही चाहिए, अगर जनप्रतिनिधि है कोई तो उनको जनता के हित की बातें करनी चाहिए, और जैसा कि कोरोना काल रहा है, 2 साल से जनता काफ़ी परेशान रही है, उनका व्यापार ठप हो गया, तो दक्षिणी के विषय में मैं कहना चाहती हूँ कि जनप्रतिनिधि जो मंत्री जी रहे हैं नंदी जी, उन्होंने जनता के बीच में आकर उनका किसी प्रकार का सहयोग तो नहीं किया है। कोरोना टाइम में भी जब लोगों को मेडिकल चिकित्सा सुविधा मिलना चाहिए था, ऑक्सीजन बेड मिलना चाहिए था, वो सब उन सब कोई कार्य हुआ नहीं। और इसके साथ साथ जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र का जो बंद कंपनियां हैं, इन सब पर भी कभी मंत्री जी ने, जबकि वो 2-3 बार यहां से विधायक रह चुके हैं, तो उनको इन सब समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए अगर वो जनता के प्रतिनिधि के तौर पर उनको जनता चुनती आ रही है तो। प्रियंका गांधी ने जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये मुद्दे को लेकर कही है, तो महिलाओं के खासतौर पर देखा जाए तो आपको महिलाओं को तो हमें प्रत्याशी भी बनाएगा शहर दक्षिणी को, क्या कहना चाहेंगी इस मुद्दे को? देखिए, मैं प्रियंका गांधी जी का बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने संघर्ष को चुना है। जिस प्रकार से मैं जनता के बीच में रही हूँ, उन्होंने देखा है कि मैं संघर्ष करती हूँ लोगों के अधिकारों के लिए, लोगों के को न्याय दिलाने के लिए। अभी लास्ट साल जब हमारे बसवार में निषादों का बोर्ड तोड़ा गया था, तो मैंने प्रियंका जी को बताया था और वो यहाँ पर आई और जो नाविक थे उन सभी को, उन्होंने बोट वाले थे, उनको 10 लाख रुपए का उन्होंने सहयोग राशि भी उनके बीच में वितरित किया और उनकी जो भी समस्याएं थी, उसके बाद हमने नदी अधिकार यात्रा निकाली, उसमें इस प्रकार से हम लोगों ने उनके बीच जाकर जो हमारे निषाद समाज के लोग हैं और अन्य लोगों से हमने उनकी समस्याएं सुनी हैं और उन सबको मद्देनजर रखते हुए हमारा घोषणा पत्र भी हुआ है, दिया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिसमें निषादों के लिए भी काफ़ी कुछ रखा गया है कि उनको जो निषाद समाज के हमारे नवयुवक हैं उनको टी के द्वारा, जिसमें निषादों के लिए भी काफ़ी कुछ रखा गया है कि उनको जो निषाद समाज के हमारे नवयुवक हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कहीं ना कहीं रोजगार दिलाने की बात कही जाएगी, स्टीमर्स क्रूज वगैरह में रोजगार का एक जरिया बनाया जाएगा, नदियों पर जो व्यवसाय हैं उस पर निषादों का ही रहेगा अधिकार, ये सब भी लाया गया मैनिफेस्टो में। महिलाओं के लिए बहुत कुछ है, महिलाओं को फ्री बस सेवा, महिलाओं को सर्वप्रथम तो जो उन्होंने 40% आरक्षण का उन्होंने लाया, तो ये उन्होंने दिखा दिया कि चुनावी जो वादा होता है क्योंकि अन्य जनप्रतिनिधि आने के बाद पार्टी वाले वो पूरा करे ना करे, लेकिन प्रियंका जी ने चुनाव से पहले ही उन्होंने जो वादा किया 40% आरक्षण का महिलाओं का, तो उन्होंने अपने पार्टी स्तर से महिला सशक्तिकरण का जो ऐतिहासिक फैसला लिया है वो बखूबी अन्य पार्टी के लोगों के लिए एक सबक है कि महिलाओं को आगे आने दें, उनको उनका अधिकार दें। अच्छा, सबसे पहले अगर आप विजय प्राप्त करती हैं चार दक्षिणी से, तो जनता
इसमें क्या मुद्दे होंगे काम करने के लिए? देखिए, अगर मैं शहर दक्षिणी से विधायक चुनी जाती हूँ तो जनहित के मुद्दे मेरे लिए सर्वोपरि होंगे, क्योंकि अगर जनता मुझे नेता बनाती है और मैं अगर नेता हूँ तो मैं उनकी हमेशा सहायता करूँ, जनहित का मुद्दा उनके लिए न्याय संघर्ष करूँ। और उनकी जो जैसे औद्योगिक क्षेत्र की मैंने बताया कि नैनी क्षेत्र जो कि औद्योगिक क्षेत्र रहा है वो बंद पड़े हैं, तो उसके लिए मैं आंदोलन करूंगी, संघर्ष करूंगी और उन बंद कंपनियों को चालू करवाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि हमारे युवाओं में जो बेरोजगारी का एक मुद्दा है बड़ा, उस पर भी लगाम लगेगा, हमारे युवा और युवतियों को भी नौकरियां मिलेंगी। और इसके अलावा जो हमारी युवा भर्ती घोषणा पत्र है उसमें 20 लाख नौकरियां जो हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद आएगी, तो उसमें हमारी जो महिलाएं हैं 8 लाख महिलाओं को आरक्षण के तहत उनको भी नौकरियां मिलेंगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे और महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा, फ्री बस सेवा मिलेंगी, आंगनबाड़ी आशा बहुएं जो हमारी हैं उनको 10,000 रुपये मानदेय मिलेगा, हमारी जो वृद्धा विधवा हैं महिलाएं हैं उनको हम 1,000 रुपये प्रतिमा मानदेय देंगे। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, 3 जो गैस सिलेंडर है उसको दिया जाएगा 3 एक साल में, तो बहुत सारी योजनाएं हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो कहती है करती आई है और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हमारी जनता उन सभी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएगी। धन्यवाद। मैं अल्पना निषाद 263 शहर दक्षिणी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।